डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंटेक एकेडमी। आप अब यहां पे हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। कैन यू सॉल्व दिस? इफ यू कैन देन प्लीज सॉल्व। तो चलिए भाई, यहां इसको सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा ही टिपिकल लग रहा है, तो इसको क्या करना, तरीका क्या है बनाने का, जैसा कि मैंने आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में एक्सपोनेंट रूल्स में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके कुछ फॉर्मूले थे जिसको मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, और बहुत सारे लेवल्स बनाए थे उसके, प्रॉब्लम्स को मैंने आपके सामने सॉल्व किया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। और सबसे पहला काम क्या करना है कि इसका बेस को, बेस जो है वो 2 पे पावर माइनस एन है, 2 रेस टू का पावर माइनस एन। तो इसका बेस को यहाँ 8 है, 16 है, 4 है, 16 है, तो सबका बेस को 2 बना देना है। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, 2 रेस टू द पावर माइनस एन इंटू 2 रेस टू द पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 3, और यहाँ 2n प्लस 1 एज इट इज रहने दिया, इंटू 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 4, और यहाँ पे 2n रहने दिया, और यहाँ डिवाइडेड बाई में क्या है 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3n। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू द पावर 4। चलिए, और 2 रेस टू द पावर माइनस एन इंटू 2 रेस टू द पावर 3 टू द 6n, 3 टू द 6n प्लस 3 वन ज़ा 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 4 टू ज़ा 8n। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6n, एंड दिस इक्वल्स टू 2 पावर माइनस 4, 2 रेस टू द पावर माइनस 4। और क्या करेंगे इसको, और अब यहाँ पे फॉर्मूला हमने बताया था पहले कि इफ x रेस टू द पावर m इंटू एक्स रेस टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू द पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस n प्लस 6n प्लस 3, 6n प्लस 3 प्लस 8n, 8n प्लस 8n एंड डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे ये क्या है, नीचे है 2 रेस टू द पावर 6 एन, ये ऊपर जाएगा यानी डिवीजन में। तो इसके लिए मैंने बताया था x m डिवाइडेड बाय x n इज इक्वल्स टू x रेस टू द पावर m माइनस n। ये ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने, फिर आपको रिवाइंड करा रहे हैं, तो ये जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 6n इज इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर माइनस 4। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, 8n, 6n, 14n, माइनस 6n, माइनस n, माइनस 7n, तो 14n में से 7n घटेगा तो कितना बचेगा, और कितना बच गया, 2 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 7n माइनस कितना बच रहा है यहाँ, प्लस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर माइनस 4। ठीक है, अब पावर इक्वेट कर लीजिए, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ द बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, यहां पे आपको मिलेगा बच्चों 7n प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, और 7n इज इक्वल्स टू ये माइनस 4 उधर जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7, देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 7 बाई 7, कट गया दोनों, कितना बच गया, 1 टाइम माइनस 1, तो n की वैल्यू जो आपको आई, n का वैल्यू कितना है, देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया माइनस 1। ठीक है, n
इज इक्वल्स टू माइनस वन, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये कैसा लगा, ये सब कैसा लगा? टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन बड़ा ही इजी वे में इसके सॉल्व किया गया। तो अगर ये मैथ आप लोग अच्छा लगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छा लगा, तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।